हेलो माय डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज बच्चे हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट्स रिवीजन वर्कशीट्स फॉर योर फाइनल एग्जाम्स फाइनल एग्जाम्स कह लीजिए या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कह लीजिए ठीक है जी हम चैप्टर वाइज वर्कशीट्स करेंगे चैप्टर वाइज और मे बी कंसेप्ट वाइज जैसे कि देखिए अभी हम बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम ये नाइन्थ क्लास में तो है ही है प्लस आपके टेंथ में भी है और सेकेंड बात और जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे तो ये वर्कशीट्स आपके उसमें भी उसकी प्रेपरेशंस में भी काम आएंगी देखते हैं चलो अब हम स्टार्ट करते हैं जी नंबर सिस्टम से ये टॉपिक्स हैं जो नंबर सिस्टम में गिवन है कौन से इंट्रोडक्शन है नंबर सिस्टम के कैसे इंट्रोडक्शन जैसे प्राइम नंबर फैक्टोरियल uh, नंबर्स प्राइम नंबर फिबोनाकी सीरीज ऑड नंबर्स इवन नंबर्स और जी कंपोजिट नंबर्स होल नंबर्स इनकी आपको डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आनी चाहिए सभी नंबर्स की ये होल लाइफ आपके काम आने वाला है जो नंबर सिस्टम है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम आप आप खुद भी देखिए अब हमारी डेली लाइफ में हम अपनी सराउंडिंग में ज़ीरो टू नाइन वही डिजट्स के सराउंडिंग uh, घूमते हैं यही वाली डिजट्स ही, ही पूरी लाइफ में काम आती हैं ठीक है जब हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हिसाब की करने के लिए तो दिस इज द रीजन नंबर सिस्टम हमारा बेस चैप्टर है और हमें इसकी फुल फ्लैश नॉलेज होनी चाहिए रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है जो मेन बात है बच्चे यहाँ पर ठीक है जी रियल नंबर ये सभी के बारे में देखेंगे अभी फिलहाल हम वर्कशीट नंबर वन स्टार्ट कर रहे हैं देखिए स्टूडेंट्स वर्कशीट नंबर फर्स्ट वर्कशीट नंबर फर्स्ट मीन्स टू से दैट चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है नंबर सिस्टम से ठीक है जी चैप्टर नंबर सिस्टम से रिलेटेड है टॉपिक कोई भी हो सकता है पर वो नंबर सिस्टम से ही होगा जो भी टॉपिक होगा ठीक है जी जैसे अभी हमने रैशनलाइजेशन लिया हुआ है रैशनलाइजेशन का फंडा आपको पता है जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना होता है पर कैसे करना होता है इसका भी है एक वे आउट है आपको वो अच्छे से क्लियर आना चाहिए देखिए कैसे है हमारे पास ये क्वेश्चन है कुछ गिवन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द देखिए यहाँ पर आप गैस भी कर लेना देखिए अगर ना भी लिखा होता जस्ट यही लिखा होता ना रैशन रैशनलाइज तो भी था कि रैशनलाइज करना होता है चलो फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है इससे और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाती है देखते हैं जी ए सिक्स रूट ऑफ सिक्स स्केयर रूट ऑफ टेन माइनस स्केयर रूट ऑफ फाइव में टू ये, ये सभी स्मॉल से क्वेश्चन है marks, marks, MCQs, उसमें आ सकते हैं आपको एकदम से देखते ही पता होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर है बच्चे आपकी आपके सेशन की एंडिंग है पर चैप्टर फर्स्ट है तो इस चैप्टर में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेस चैप्टर है आपका ठीक है, है, है जी थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है टू में टू प्लस स्केयर रूट ऑफ टू फर्स्ट क्वेश्चन है जी सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है इफ़ x इज इक्ल टू टू माइनस ध्यान से देखना होता है क्या कह रहा है वो क्या फाइंड आउट करना है इफ़ x इज इक्वल टू टू माइनस स्के रूट ऑफ थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन्ट में एक्स क्यूब रूट ठीक है जी ये कुछ गिवन है कुछ फाइंड आउट करना है बस ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा क्वेश्चन नंबर थ्री इफ फाइव प्लस ये ए बी वाले बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इनका ध्यान रखना और आइडेंटिटी फिट करोगे आप जहाँ पे भी पॉसिबल होगा ठीक है आइडेंटिटीज़ आप लगाते चलोगे जैसे इसमें मे भी आइडेंटिटीज लग सकती है ठीक है वो जब हम क्वेश्चन शॉट आउट करेंगे देखेंगे कैसे लगाएंगे इसमें तो ऑलमोस्ट लगती ही लगती है जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके आइडेंटिटी एल्जैब्रिक आइडेंटिटीज़ जैसे ए प्लस बी स्केयर मीन्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर इजिकल टू टू ए बी सिंपल से आइए तो आप बच्चे थर्ड फोर्थ से करते आए हो सभी स्टूडेंट्स है ना चलिए इफ फाइव प्लस टू स्केयर रूट थ्री अपोन में सेवन प्लस फोर स्केयर रूट थ्री इज इकल टू ए प्लस बी स्केयरूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बच्चे इस क्वेश्चन में हमने ध्यान रखना होता है इसको सॉर्ट आउट करते हुए इसको उस पोजिशन तक लेके आना था कि इस टाइप का कुछ बन जाए हमारे पास ठीक है जी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इस क्वेश्चन के एंड में स्पेसिफिकली सिर्फ एंड में चलो अब हम करते हैं जी फर्स्ट नंबर के थ्री पार्ट्स हैं आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड यानी कि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हुए हैं थ्री फोर एंड फाइव क्वेश्चन हैं ध्यान से देखिए बच्चे वेरी इजी वेरी सिंपल थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है बस और कुछ नहीं है सिक्स अपॉन मेस के रूट ऑफ सिक्स इज इक्वल टू रैशनलाइज कैसे करते हैं जो डिनोमिनेटर में होती है सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम सेम से हो जाती है ठीक है मल्टीप्लीकेशन देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर सिक्स स्केयर रूट सिक्स अपोन में क्या है बचे डबल हो गया आपको पता है पेयरिंग बना लेते हैं हम ना पेयरिंग बनाने के बाद क्या हो जाएगा सिंगल सिक्स आ जाएगा हमारे पास रूट uh, से रूट कट गया सिंगल मतलब सिंगल स्केयर आ जाता है बेसिकली यहाँ पर सिंगल तो सिक्स से सिक्स फिर ठीक है जी डिवाइडेशन में है वो ऊपर है तो हमारे पास आंसर क्या आया स्केयर रूट ऑफ सिक्स जल्दबाजी मत कर लेना अगर एम में क्वेश्चन आता है तो कई स्टूडेंट जल्दबाजी में देख लेते हैं कि हाँ ये आंसर है चलो लगा दिया नहीं उसको एंड तक ले जाना है जहाँ तक देखिए डी रैशनलाइज का फंडा क्या है इस इसका मतलब होता है इसको जितना ज़्यादा सिंपल से सिंपल आंसर आप फाइंड आउट कर सके वहाँ तक लेके जाना होता है रैशनलाइज की डेफिनेशन यही कहती है ठीक है जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा सकते हैं देखो अब अगर इसको अब हम सॉर्ट आउट करेंगे क्या आएगा हमारे पास थ्री इंटू टू उसका कोई बेनिफिट ही नहीं आता होता ना पेयरिंग बनती कुछ फिर भी हम निकाल लेते पर यहाँ तक छोड़ देते हैं क्वेश्चन सेकंड देखिए ध्यान से बच्चे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गलत करते हैं ठीक है वो थोड़ा सा नहीं समझने की कोशिश करते जल्दबाजी में छोड़ देते हैं बस ठीक है रैशनलाइज का बच्चे मीनिंग होता है कि इसको उतने स्टेप्स चलते जाओ जब तक बिल्कुल सिंपल फॉर्मेशन में नहीं आ जाता यानी कि अब हल हो ही नहीं सकता वहां रोक देना है देखिए यहां पर टेन है टेन के हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं टू इंटू फाइव ठीक है जी टू इंटू फाइव कर दिया इसको चाहे अंदर ही एक सिंगल स्केयर रूट में लिख लेते चाहे हमने सेपरेट लिख, लिख लिया माइनस स्केयर रूट फाइव में टू यहां पर देखिए बच्चे यहाँ दो स्टेटमेंट्स है क्योंकि इन बिटवीन माइनस या प्लस का अर्थमेटिक सिंबल है ना तो हम क्या करेंगे यहाँ से सिंग एक फाइव स्केयर रूट फाइव कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से यहाँ पर इस वाली फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या रह गया अंदर स्केयर रूट टू माइनस यहाँ पर देखिए क्योंकि स्केयर रूट फाइव अकेला ही था उसको भी बाहर निकाल लिया इट मीन्स हमारे पास अंदर क्या रहा वन ओनली तो ब्रैक्ट यूज़ करते रहना बच्चे उससे एकदम क्लैरिफिकेशन रहती है ठीक है यहाँ पर क्या रहा कुछ भी नहीं रहा बस देखिए स्केयर रूट फाइव राउंड राउंड ब्रेस स्टार्ट स्केयर रूट टू माइनस ओनली वन अपॉन में टू अगर इसको वापस आप मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे हमारे पास यही वाला आंसर फिर आ जाएगा देखिए ठीक है करके देखिए इसको क्रॉस मल्ट क्रॉस चेकिंग कीजिए अपने आंसर की चलो जी डन अब चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ थर्ड का हमारे पास क्वेश्चन क्या था टू अपॉनमेंट टू प्लस के रूट टू फाइंड आउट क्या करना था एक मिनट बच्चे हाँ जी कुछ भी नहीं ये भी सिंपली निका ही पार्ट है ठीक है फर्स्ट रैशनलाइज ही करना डिनोमिनेटर को आपको पता है जब भी अपॉन में ऐसी देखिए स्केयर रूट तो मिलेगा ही मिलेगा रैशनलाइज के क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं स्केयर रूट की स्टेटमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी ठीक है जी जैसे यहाँ पर बच्चे एक्चुअली डिनोमिनेटर uh, में नहीं था पर हमनेट सॉर्ट आउट करना था वो रैशनलाइज का ही क्वेश्चन है ठीक है तो इस वे में करना था यहाँ पर डिनोमिनेटर में जब भी डिनोमिनेटर में मिलती है हमें पता है उसको हम क्रॉस करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपर और लोअर में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपोजिट साइंस लगा कर हमेशा प्लस से है, तो माइनस जाएगा दोनों में बस अब कुछ भी नहीं रहा इजी सा क्वेश्चन रह गया ये तो टू ठीक है जी तो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू राउंड ब्रेस स्टार्ट टू माइनस स्केयर रूट टू राउंड ब्रेस क्लोज अपॉन में देखिए यहाँ से ना थोड़ा सा फाइंड आउट कीजिए क्योंकि वैसे तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं वो लेंथी चला जाता है आंसर हमारा फिर भी वही आता जैसे हम बच्चे लोग करते थे थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लासेस में टू को पहले इस सारी से मल्टीप्लाई कर दो फिर प्लस टू लगा के स्केयर रूट को स्केयर रूट टू को फिर से मल्टीप्लीकेशन कर दिए पर हम क्यों लेंथी वे आउट क्यों अडॉप्ट करें जब हमारे पास मैथेमेटिकल के फॉर्मूलाज हैं मैथेमेटिकल आइडेंटिटीज़ हैं एल्जैब्रिक आइडेंटिटीज़ है, है, है ना ये वाली है देखिए यहाँ से चेकआउट कीजिए आप यह आइडेंटिटी ऑलमोस्ट बहुत काम आनी है रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पर देखिए ए प्लस बी कब होता है बच्चे ये एक चीज का ध्यान रखना ए दोनों का इक्वल होना चाहिए तब ये फॉर्मूला लगता है टू टू इट मीन्स ए बराबर है एक जैसी स्टेटमेंट है ना स्केयर उट टू स्केयर रोट टू हो भी बी बी भी इक्वल है ए भी इक्वल है बी भी इक्वल है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे इट मीन्स क्या लगाएंगे ए का स्केर माइनस बी का स्केयर ए का स्केयर यहाँ से निकाल लीजिए माइनस बी का स्केयर ऊपर वाला तो देखो इजी सा है कुछ भी नहीं ऊपर वाले में तो एज इट इज रहने देना नीचे वाले को हम हल कर लेंगे टू का होल स्केयर है टू का होल स्केयर मीन्स टू टू जो फोर माइनस स्केयर रूट टू का होल स्केयर क्या कहता है स्केयर रूट से स्केयर रूट कट गया ठीक है टू रह गया हमारे पास अकेला चलो जी बस ये भी हो गया फोर माइनस टू इट मीन्स टू आ गया देखिए आराम से स्टेटमेंट सीक्वेंस वाइज अगर एक दो स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखना पड़ा हो तो लिख लेना है उससे एकदम बढ़िया आंसर आता है टू राउंड 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 uh, क्या कहते हैं ब्रेस राउंड ब्रेस ब्रेसिस ठीक है जी ब्रैक्ट्स को ब्रेसिस भी बोलते हैं टू माइनस स्केयरूट टू बंद टू फोर माइनस टू 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 माइनस ठीक है टू uh, से टू कैंसिलेशन हो गया जी हमारे पास आंसर क्या बचा यानी कि हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट था हमने उसको हल कर दिया टू माइनस स्केयर रूट टू हाँ जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ठीक है अभी से इसको अच्छे से समझ लेना नेक्स्ट टेंथ में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके काम आने वाले हैं इफ़ गिवन क्या है बचे इफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस स्केयर रूट स्केयर रूट थ्री फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस वन अपॉइंट में एक्स होल्स क्यूब रूट थ्री हमें गिवन क्या है जी एक्स की वैल्यू ये गिवन है हमारी ये काम आनी है इसलिए हमने इसको वन इक्वेशन मान लिया ठीक है इक्वेशन नंबर वन लिख लिया क्योंकि नेक्स्ट काम आनी है हमारे अब हमने क्या किया यही वाली स्टेटमेंट लेकर क्योंकि राजे हमने ना एक्चुअली जो क्वेश्चन होता है उसको एनालिसिस करना होता है जजमेंट करनी होती है कि किस टाइप में हम क्वेश्चन को लेकर चलें कोई एग्जैक्ट हाँ, मतलब फिक्स रूल नहीं है कि वही वे आउट लेकर चलना पर हमने जज करना होता है कि हमें आंसर किस वे में चाहिए तो हमें दिख रहा है कि हमें कुछ अपॉन में चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए तो हमने अपना आंसर उस तरफ लेके जाने की कोशिश की क्या किया बच्चे एक्स इज इक्वल टू टू माइनस थ्री गिवन था अब हमने क्या किया बोथ साइड हमने वन एज़ न्यूमरेटर ले लिया ठीक है जी बहुत साइड उसको डिनोमिनेटर में रख दिया ये दोनों साइड क्योंकि देखिए इक्वलाइजेशन क्या कहता है इक्वेशंस अकाउंटिंग इक्वेशंस जो होती हैं इक्वलाइजेशन के लेफ्ट एंड राइट साइड क्या कहती है आप अगर किसी किसी भी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि दोनों साइड कर सकते हो इससे उसका क्योंकि कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा हमने दोनों साइड ही बहुत साइड यूज किया ना बच्चे नाउ टेक राइट एंड साइड अब हम क्या करते हैं वन अपॉन में एक्स को एज इट इज छोड़ दीजिए हमें पता है ये हमारे पास किस टाइप की फॉर्मेशन बन चुकी है जो अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया रैशनलाइजेशन का डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइजेशन कर देंगे ठीक है जी क्या करेंगे बस इसी स्टेटमेंट को लेते चलते जाना एंड में इसको बिल्कुल मिनिमाइजेशन आंसर आ जाएगा बिल्कुल स्मॉल सा आंसर आ जाएगा वो किसका आंसर आएगा वन अपॉन में एक्स का वो आंसर आएगा देखिए एक बारी वैसे मैं दिखा देती हूँ वन अपॉन में एक्स का मेरे पास आंसर आ रहा है बच्चे क्या आ रहा है ये आया टू प्लस स्केयरूट थ्री इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू लिख दिया आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जैसे भी कंफर्ट लगता है आपको आप इक्वेशन मान सकते हो नहीं मान सकते बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ठीक है जी इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं ये बिल्कुल अच्छे से आपको करना आता है टू माइनस वाली है इंटू में टू प्लस में चले जाएंगे ठीक है अपॉन में भी नीचे भी ठीक है डू रैशनलाइजेशन ठीक है साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते रहना इससे एकदम क्लैरिफिकेशन होती है कि कर क्या रहे हैं हर स्टेप्स में हम यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगा देंगे जी ठीक है ध्यान रखना आइडेंटिटी क्योंकि ए ए इक्वल है बी बी दोनों तभी आइडेंटिटीज लगती हैं अगर ए और बी की अमाउंट्स इक्वल होती हैं यानी कि ए दोनों साइड टू गिवन है बी बोथ ऑफ द साइड स्केयर रूट थ्री गिवन है सो दिस इज द रीज़न कि हम ये एल्जैब्रिक आइडेंटिटी ये वाली लगाएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में कोई और आइडेंटिटी लगाई थी चलो चलते हैं जी नेक्स्ट टर्म फिर अब अब टू प्लस थ्री अपॉन में फोर टू टू जा टू का होल स्केयर फोर माइनस रूट थ्री होल केयर ध्यान रखना बच्चे होल स्केर है थ्री आ जाएगा ठीक है कैंसिलेशन हो जाएगी उसकी क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी सॉरी पेयरिंग बोलेंगे हम कैंसिलेशन नहीं बोलेंगे कैंसिलेशन होगी तो तो थ्री थ्री या नाइन हो जाएगा पेयरिंग जब हो जाती है स्केयर रूट्स की तो हम सिंगल थ्री फाइन निकल जाता है हमारे पास चलो टू प्लस स्केयर रूट थ्री आ गया इसको बच्चे हम इक्वेशन नंबर टू मान लेंगे अब देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू है आई हुई इक्वेशन नंबर वन मान लिया ई e के भी लिख लेना बेशक आप अपने आप ठीक है जी और वन अपॉन एक्स की टू ये दोनों की आ चुकी हमने किस अकॉर्डिंग चले अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बच्चे पहले तो ठीक है देखिए स्टेप बाई स्टेप चलेंगे पहले तो थ्री भी है इसको बाद में देखते हैं पहले इनके जो अंदर ये वाली इन बिटवीन ठीक है ब्रेसिस की इन बिटवीन वैल्यूज़ है ये पुट अप करते हैं एक्स और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की एक्स की पुटअप uh, कर देंगे हम इक्वेशन नंबर वन वाली और जी ये वाली टू वाली एक्स वन अपॉन एक्स वाली यहां पुटअप कर देते हैं आराम से सिंपल से देखिए बिल्कुल आराम से ठीक है इसलिए इसलिए मतलब सो so दैट यहां पुटअप कर दी क्या ये माइनस और प्लस वाली नेगेटिव और पॉजिटिव वाली क्रॉस होगी गई टू प्लस टू फोर फोर आंसर किस चीज का आया है राजे हमारे पास फोर आंसर आया है ए टी क्यू मीनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लास्ट स्टेप स्टेप था हमारे पास देखो कितना ईजी क्वेश्चन हो गया ना हमारे पास फोर क्या आया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का आंसर आया है तो हम इसके बदले ठीक है इसकी सब्सिट्यूट कर देते वैल्यू फोर फोर रख दी क्यूब रूट थ्री बस या तो देख हम कुछ ऐसा करते हैं कि क्यूब रूट वाला फॉर्मूला लगाते हैं पर क्यूब रूट वाला फॉर्मूला पता नहीं कहाँ तक लेंथ ही चला जाता पर हमारे पास सिंपलेस्ट वे यही था इसको फाइंड आउट करने का फोर का क्यूब रूट फोर का क्यूब रूट मीन्स थ्री टाइम्स फोर फोर इंटू फोर इंटू फोर ठीक है जी फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर हमारा क्या गया? Statement आ गया इस स्टेटमेंट का आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब जो रिक्वायर्ड था क्या निकालना थाने फाइंड द वैल्यू ये भी ध्यान रखना है वैल्यू कुछ हमें थोड़ा सा हिंट दे रही है वैल्यू कह रही है कि कुछ डिजिटल फॉम फॉर्मेशन में कुछ नंबर सिस्टम में आंसर आएगा बस हमारे पास सिक्सटी आंसर आ गया ठीक है जी क्या काफ़ी इजी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा बस कंसेप्ट समझना कि हो क्या रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें मन में याद रखना पड़ता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम स्टेप्स क्या चलेंगे स्टार्टिंग में चलो जी बच्चे ये भी होगा अब चलते हैं जी थर्ड और लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि वर्कशीट वन का लास्ट क्वेश्चन है ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे ये क्वेश्चन जहाँ पर भी ए बी फाइंड आउट करना आ जाए एक्स बी वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली जो ये अल्फ़ाबेट होते हैं ना अल्फाबेट्स नहीं अल्फ़ाबेट होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पर भी बच्चे इनको क्वेश्चन में फ़ाइंड आउट करना दिख रहा है ना कहीं पे भी अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हो मैथमेटिक्स की बुक्स में से एग्जाम्पलर में से या एन सी आर टी की किसी भी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करनी है वो वन मार्क्स टू मार्क्स फोर मार्क्स कहीं पे भी आ सकते हैं चलो देखिए अब ये देखते हैं अब पहले इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन को कि क्या करें ये इन्होंने कहा है कि इफ फाइव प्लस टू स्केयर रूट थ्री अपॉन में सेवन प्लस फोर स्केयर रूट थ्री इज इक्वल टू ए प्लस बी स्केयर रूट थ्री बस उन्होंने इफ़ करके ये छोड़ दिया और फाइंड आउट क्या करना है जी एक मिनट इफ इट मीन्स ए बी की वैल्यू हाँ जी हाँ फाइंड द वैल्यू यहाँ लिखना भूल के ये ए एंड बी की वैल्यू ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है जी ए एंड बी की देखिए ये हमें पता है कि ये कुछ कह नहीं रहा हमें इस वाली स्टेटमेंट को यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट है उसको इतना सॉल्व करना है एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर्म में लेके आना है दूसरा हमें पता है कि रैशनलाइजेशन कर देंगे हम क्योंकि इसके रूट में है स्टेटमेंट तीसरा हमने उसको इस फॉर्मेशन में लेके आना होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स इस जैसी शक्ल में आ जाए ए प्लस बी की फॉर्मेशन में आ जाए इस टाइप के ठीक है जी देखिए कैसे करेंगे टेक कौन सी साइड लेते हैं सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ठीक है जी लेफ्ट हैंड साइड लेके ये सिंपल स्टेप है रेशनलाइजेशन का डिनोमिनेटर को ठीक है है प्लस में है, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे माइनस में लगा देंगे बस अब फर्स्ट स्टेप स्टेप से यहां से तो सबसे पहले ही करती है, अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि क्या करते हैं बच्चे स्टूडेंट्स प्लस माइनस में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं क्वेश्चन अपसेट हो जाता है फिर उसको स्क्रिम्बलिंग है, है, क्या खुद ही वो कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स अपनी ही कटिंग कर करके ठीक है जी ध्यान रखना बस इस बातों का चलो देखते हैं फाइव प्लस टू स्केयर रूट थ्री इंटू सेवन माइनस फोर स्केयर रूट थ्री अब इस मतलब कि इस वाली स्टेटमेंट को उसके साथ देखिए बच्चे यहाँ पर कोई आइडेंटिटी फिट नहीं कर सकते हम ठीक है यहाँ ऊपर वाले में दोनों में देखिए क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर फाइव है वहाँ पर सेवन है यहाँ पर टू स्केयरूट थ्री है वहाँ पर फोर स्केयरूट थ्री है तो जब हम कुछ नहीं पुटअप कर सकते एल्जैबरिक uh, आइडेंटिटी नहीं फिटअप फिटअप कर सकते तो अब हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे वेरी सिंपल सा देखिए फाइव को पहले पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए फिर प्लस लगा कर टू स्केयरूट थ्री को फिर से पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देना बस ठीक है जी आराम से करते जाएंगे पहले एक एक स्टेप करते करके लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर में स्टेटमेंट्स है यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्योंकि देखिए सेवन सेवन इट मीनस ए की स्टेटमेंट इक्वल आ गई लग जाएगी चलो ए ने काम बना दिया बी देखते हैं बी में भी लग जाएगी सिंबल का कोई फर्क नहीं होता सिंबल को इग्नोर करना ठीक है प्लस है माइनस है वो फिर हम अपनी आइडेंटिटी देखते हैं कि कौन सी लगानी है सबसे पहले तो हमने यही चेकआउट करना था कि ए और बी इक्वल है हाँ जी इक्वल है तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे आइडेंटिटी हम कौन सी लगाएंगे यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए होल स्केयर टू माइनस बी होल स्केयर टू बच्चे बैटर यही रहता है कि साइड में लिख देना कि यहाँ पे इजी, क्योंकि मैं भी लिखना भूल गई क्योंकि मतलब बिकॉज ऑफ दैट ए होल स्केयर टू माइनस बी होल स्केयर टू इजिकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं प्लस बच्चे सिंबल्स का स्पेसिफिकली ध्यान रखना बिल्कुल एक एक सिंबल और कोशिश करना इसी के मतलब के उसी के ना पैरल करते जाना काम इसको आगे पीछे मत करना बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के नीचे 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 और ब्रॉड शेप ले लेना लूज लूज लिखना बिल्कुल टाइट मत लिखना ठीक है जैसे हमने क्या किया है ऐसे सेपरेट कर दिया ये इधर का पोर्शन है ऐसे ऐसे ठीक है ये हमारा राइट साइड का पोर्शन है आपने भी ऐसे करते जाना देखिए सेवन थ्री जो थर्टी फाइव माइनस फोर माइनस का सिम्बल कर दिया फोर फाइव जै ट्वेंटी स्क्र थ्री प्लस सेवन टू जा फोर्टीन स्केयर रूट थ्री माइनस फोर टू जाट माइनस तो रहेगा ही प्लस माइनस माइनस होता है स्केयर रूट थ्री यहाँ पर देखिए यहाँ गलती मत कर देना बच्चे भूल कर भी ध्यान से देखिए मैंने वैसे तो देखिए डायरेक्टली मैं क्या कर सकती थी थ्री लगा सकती थी पर थोड़ा सा एक्सपेंड करके इसलिए किया कि स्टूडेंट्स बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो जाए टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फोर टू जाट यहाँ पर मेरे पास टू टाइम्स स्केरूट थ्री आ रहा है पेयरिंग करके वैसे तो मेरे को पता है थ्री आ जाएगा पर एक बार हमने लिख दिया कोई बात नहीं ठीक है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो अब चलते हैं जी हमारा नेक्स्ट स्टेप थर्टी फाइव माइनस इसको एज इट इज़ रहने देते हैं ना दोनों बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स को जो स्केयर उट थ्री वाली अभी बाद में देखते हैं पहले इसको एक स्टेप में ये हल कर लिया थ्री आ गया एट थ्री से ट्वेंटी फोर चलो ट्वेंटी फोर स्केयर रूट्स वाली एक साइड रखते हैं और विदाउट स्केयर रूट्स यानी कि सिंपल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर एक साइड कर दिया सिंबल्स नहीं चेंज करने सिम्बल्स कब चेंज होते हैं अगर इजिकल टू बीच में कहीं आ जाता है ठीक है हम तो वैसे ही आगे पीछे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. इसको एज इट इज़ रख दिया देखिए कितना आंसर बढ़िया निकलने वाला है थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर कितना गया जी इलेवन माइनस इसको एज इट इज हमने ना थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि जो हमने इक्वलाइजेशन करनी है राइट हैंड साइड में क्या गिवन था ए प्लस बी स्क्र रूट थ्री तो हमारे पास भी कुछ इसी टाइप का आंसर आने वाला है ठीक है जी ये हो गया अब बच्चे देखिए माइनस बीस प्लस फोर्टीन क्या कह रहा है ये प्लस माइनस माइनस सिक्स वो तो कर दो फिर सिंबल कौन सा लगता है जो बड़ी वाली स्टेटमेंट के आगे होता है प्रीफिक्स में होता है मतलब ठीक है माइनस है तो माइनस सिक्स लगा देंगे आंसर क्या है अब हमारे पास आंसर नहीं है बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड हमने जितनी मैक्सिमम हो सकी थी उसको सॉल्व कर दिया इसके ज़्यादा बच्चे हम सॉल्व नहीं कर सकते थे खुद सोचे इलेवन का कुछ हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती पॉसिबली नहीं है ठीक है ये प्राइम नंबर है अपना इन ऑड नंबर है ठीक है जी ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है माइनस ऑड भी है इवन दोनों ही है सॉरी ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है क्योंकि फैक्टराइजेशन है ही नहीं इसलिए कुछ ये दोनों ही नंबर्स कह कहलाता है माइनस सिक्स का क्या करते हैं थ्री इंटू टू हो जाता कुछ भी नहीं कर सकते थे बस इससे ज्यादा और हम हल नहीं कर सकते थे बस रैशनलाइजेशन यही कहता है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना चलो ये हो गया अब बचे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्या कहता है इसलिए इसको अपना उसके इक्वलाइज बच्चे ये ना थोड़ा सा बस याद रखना कि इसको लास्ट में ऐसे ही करना होता है यहाँ पे गड़बड़ी मत करना बिल्कुल भी ठीक है कि ऐसे ही करना होता है बस यही याद रख लेना इलेवन माइनस सिक्स स्क्यर रूट थ्री आया इक्वल टू ए प्लस बी स्क्र रूट थ्री ये आया हमारा ठीक है इक्वलाइज कैसे करेंगे देखिए ए क्या कह रहा है कि मेरा आंसर इलेवन है माइनस स्केयर रूट थ्री स्केयर रूट थ्री ठीक है ये तो खत्म हो चुका है बी क्या कह रहा है अगर हम देखिए यहां पर माइनस है ठीक है जी बी क्या कह रहा है इसके साथ इसको क्रॉस कर दीजिए बी के लिए क्या बचा माइनस सिक्स यानी कि ए का आंसर हमारे पास इलेवन आया बी का आंसर मेरे पास माइनस सिक्स आया बहुत इक्वलाइजिंग बहुत साइड्स को इक्वलाइज कर देंगे फिर हमारे पास ए एंड बी की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं इस वे में ठीक है ए इलेवन और बी माइनस सिक्स इसी के साथ ही जी वर्कशीट नंबर जो फर्स्ट थी वो कम्प्लीट होती है ठीक है जी होप्स अगर कोई डाउट्स रहता है बच्चे आप मेरे से ठीक है पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कुछ भी पूछ सकते हो थैंक यू स्टूडेंट्स